जितने भी राशन कार्ड धारक आज की यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपके समझ में आएगी कि 5 सितंबर से राशन कार्ड धारकों पर 3 नियम लागू कर दिए गए हैं। वो कौन से नियम है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं न्यूज से रिलेटेड, राशन कार्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज डालूं सीधी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप सही जानकारी ले पाओ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राशन कार्ड धारक जितने मेरे भाई बहन माताएं बहन हैं उन पर 3 नियम नए लागू कर दिए गए हैं। 5 सितंबर से आपको जो राशन दिया जाएगा उन पर कौन कौन सी चीजें आपको दी जाएंगी और कौन कौन सी चीजें आपको नहीं दी जाएंगी आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। पिछले वर्ष में कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सारे राशन कार्ड धारकों ने अपना राशन कार्ड जमा कर दिया था तहसील में। क्यों? क्योंकि उनको डर था कहीं हमारा राशन कार्ड निरस्त तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमारा राशन कार्ड कट तो नहीं जाएगा। इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा लोगों ने अपने राशन कार्ड को जमा कर दिया था, जो पात्र थे और पात्र थे। अब मैं आपको बता दूं कि पात्र अपात्र से कोई मतलब नहीं है। आज आप गरीब हैं तो कल आप अमीर भी हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप ऐसे बहकावे में मत जाएं, ऐसा मत सोचें कि मेरा राशन कार्ड कट जाएगा या मुझे फ्री राशन मिलना बंद हो जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि 3 नए नियम क्या आए हैं। मैं बता दूं, पहले अगस्त के दूसरे चरण का जो राशन हमें मिला था वो पैसे देकर के मिला था। अब हम बात करते हैं जो हमें 5 सितंबर के बाद राशन वितरित किया जाएगा वो क्या पैसे देकर के वितरित किया जाएगा या हमको पैसा नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि 5 सितंबर के बाद जो पहले चरण का राशन हमें मिलेगा उसमें हमको फ्री राशन सिर्फ चावल दिया जाएगा और दूसरे चरण का जब राशन मिलेगा सितंबर के दूसरे चरण के लास्ट में जब आपको राशन मिलेगा तो उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा।